गुलाबगंज थाना अंतर्गत ग्राम धनियाखेड़ी में बीती रात दो भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसमें रामू उर्फ राम प्रसाद की मौत हो गई। परिवार के लोगों एवं ग्रामीणों ने 108 की सहायता से गुलाबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा एवं गुलाबगंज पुलिस द्वारा आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं मामले की जाँच की जा रही है। कल गणेश जहाँ की विसर्जन का चल समारोह वगैरह में हम व्यवस्था लगी हुई थी, तो मैं बर्री घाट पे था, तो बर्री घाट पे मुझे सूचना मिली कि ग्राम धनिया खेड़े में ये दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो उसकी सूचना पे मैंने स्टाफ को भिजवाया और मैं स्वयं भी वहाँ मौके पे गया। तो वहाँ पर जाकर देखा तो एक रामू मालवी घायल अचेत अवस्था में पड़ा था, जिसे वहाँ 108 एम्बुलेंस को बुलवा के तत्काल उसे अस्पताल रवाना किया गया। और सूचनाकर्ता मोहर सिंह की रिपोर्ट पे अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीएससी अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि आहत जो था राम प्रसाद मालवीय वो खत्म हो चुका है। फिर मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और श्रीमान सीएसपी महोदय के निर्देशन में पुलिस टीम बनाकर धनियाखेड़ी में सर्चिंग की। तो सर्चिंग के दौरान हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी एक राम सिंह के खेत में छुपा हुआ है। फिर जिसे घेराबंदी कर पकड़ के उसे गिरफ्तार किया गया।